साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉक में। आज हम द साइंस टॉक में अपने पैट सीरीज का जो चौथा टेस्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पिछला जो टेस्ट था उसे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है और इस तरह इस पर बढ़ाई है। तो मैं बहुत ही जल्दी इन जो क्वेश्चन की संख्या जो 40 है उसको बढ़ा के 50 तक, फिर इसमें मैथ्स की जो क्वेश्चन है या डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं सब एम शामिल करने की कोशिश करूँगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो पुरंदर शब्द है, ऑप्शन देख लेते हैं हमारे, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। तो जो आपका ऋग्वेद में जो पुरंदर मतलब किलो को जीतने वाला जो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है इंद्र के लिए। किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए, जिनको इंद्र को हम क्या कहते हैं, इनको हम युद्ध का देवता भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, युद्ध का देवता भी कहते हैं और क्या कहते हैं हम, वर्षा का देवता। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर बन जाता है कि युद्ध का देवता किसे कहते हैं तो भी इंद्र, वर्षा का देवता किसे कहते हैं तो भी आप इंद्र को ही बताएंगे। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया? आपने अक्सर देखा हर जगह लिखा रहता है अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्मय, इसकी स्टार्टिंग लाइन हमारी अस्तोमा सद्गमय कहां से उद्गृत है या कहां से लिया गया है। ऑप्शन हमारे पास यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। जो अस्तोमा सद्गमय है इसको हमारे जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद से लिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने जैन तीर्थंकर हुए हैं? आपको पता होगा जैन धर्म में करीब बहुत से तीर्थंकर हुए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे, पहला हमारा 20, बी 22, सी 24, डी 31। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 24। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और इसके जो पूछा जाए आपसे कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम, ठीक है, कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आप बोलेंगे भगवान ऋषभदेव। कौन थे आपके? भगवान ऋषभदेव। भगवान जो ऋषभदेव थे वो पहले जैन तीर्थंकर थे, और जो इसके 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे हमारे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी, जिनको हम लोग जैन धर्म के सबसे मेन प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, मतलब त्रिपिटक जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन हमारे पास बौद्ध धर्म का, मतलब बौद्धों का, जैनियों का, सिखों का या हिंदुओं का। ठीक है, आपको बताना है कि जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बौद्धों का। किन का है ये? ये बौद्धों का मेन धर्म ग्रंथ है, क्योंकि इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध की, इसमें जो भगवान बुद्ध है महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब उनके पुनर्जन्म की कथाओं के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। एक और क्वेश्चन याद रखिए, पूछा जाता है कि त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो याद रखिएगा पाली। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? जो पाली भाषा में लिखी गई है, और उसमें मिली भगवान बुद्ध के कुछ तो जातक कथाएं भी है और कुछ इनमें उनके उपदेश भी हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? आपको पता होगा 712 ईस्वी में मीर कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। पूछा जा रहा है कि सिंध पर उस समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन हमारे पास अशोक, समुद्रगुप्त, दाहिर और भीमसेन। तो इसका सही ऑप्शन हमारा जाएगा दाहिर, और दाहिर ने बहुत ही अच्छा अपोज किया था, युद्ध में उनके विपरीत लड़े थे 712 में मोहम्मद बिन कासिम के। ठीक है, तो याद रखेंगे सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दाहिर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री लगभग खत्म हो गया हमारा। हाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। टोटली जो सिलेबस आप देखिएगा, लाइन से देखिएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसको मेंशन किया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पहले भारतीय सिपाही जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन हमारे पास ए शिवराम, बी भगत सिंह, सी तात्या टोपे, डी मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मंगल पांडे, क्योंकि इन्होंने ही जो 1857 की जो क्रांति थी इसकी ज्योति जो जलाने का कार्य था वो मंगल पांडे जी ने ही किया था। ठीक है, आपने मंगल पांडे वही आमिर खान वाले साथ मूवी भी देखी। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? ठीक है, मतलब शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ए जॉर्ज यूल, बी ए ओ ह्यूम, सी महात्मा गांधी, डी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, देखिए तो जो हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका ए ओ ह्यूम को। किनको कहा जाता है आपको? ए ओ ह्यूम साहब को, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अलीगढ़ स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारे पास ए सैयद अहमद खां, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी अबुल कलाम आजाद और डी मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको ये बताना है कि जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था इसकी स्थापना
किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सैयद अहमद खान साहब ने। किसने किया था? सैयद अहमद खान साहब ने किया था। उन्होंने ये बोला था कि जो मुस्लिम धर्म है उनको भी वैज्ञानिक शिक्षा लेनी चाहिए, मतलब विज्ञान से रिलेटेड जो शिक्षा वो लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये पैट 2000 जो पिछले साल का पैट से पूछा हुआ था कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हमारे पास ए श्री नारायण गुरु, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी ज्योतिबा फुले। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, इनको आप याद रखेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण, यहाँ जन भाषण की बात की जा रही है, अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? ठीक है, देखिए मतलब जन भाषण की बात इंडिया में हो रही है। ऑप्शन हमारे पास बम्बई, ए बम्बई, बी वाराणसी, सी चंपारण, डी कोलकाता। तो आपको पता होगा इन्होंने अपना जो पहला जन भाषण दिया था वो कहाँ दिया था आपका, चंपारण में, जो तिनकटिया, जो चंपारण जो बिहार का एक जिला है, ठीक है, जिसमें तिनकटिया जो नील की खेती होती थी उसके विरोध में जो लोग एकत्रित विरोध कर रहे थे उन्हीं के साथ साथ चंपारण में भाषण दिया थी। चलिए हिस्ट्री खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के कितने हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर है, मतलब भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा पर है। बस राज्य पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछ रहा है। तो याद रखिएगा भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्र तट रेखा पर स्टार्ट है। जैसे आप भारत का नक्शा देखते हैं इधर से, तो आप देखेंगे यहाँ से गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, करते करते यहाँ तक आ जाए पश्चिम बंगाल तक। तो पूछा जा रहा है कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर है, तो याद रखिएगा भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा पर है। और वही पूछता है केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट रेखा पर है, क्या बोलते हैं आप, 5। कितना बोलता, 5। और वही अगर पूछता कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट रेखा पर है, तो 9 और 5 कितना हो जाता हमारा, 14 हो जाता। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी, मतलब पहले इसको हम अरुण के नाम से जानते थे। ऑप्शन हमारे पास ए सोन, बी नर्मदा, सी गंगा, डी कोसी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आपको बताना है सोन नर्मदा। ठीक है, सोन नर्मदा, गंगा और कोसी। याद रखिएगा जो नेपाल से नदी निकलती है कोसी नदी, इसी को हम अरुण नदी के नाम पे भी जानते हैं, जो कि पटना के पास आके मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, मतलब भारत की जो उत्तरी सीमा है आपको पता ही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास हिमालय, बी अरावली, सी नीलगिरी, डी मैकॉल। आपको पता होगा कि उत्तर का हिमालय है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन प्रकार है। ठीक है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारे पास उष्णाद पतझड़ वन, बी पर्वतीय वन, सी आद्र मानसूनी वन और डी आपका मानसूनी वन। आपको पता होगा भारत का अगर क्षेत्रफल आपको पता है, इसके साथ साथ हमारा जो रीजन समझ रहे हैं कि हमारे पास किस प्रकार के वन होते हैं, तो आपको पता होगा हमारे यहाँ उष्णाद्र पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, जो सोलर सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन हमारे पास कैपलर, वही जॉन कैपलर, बी कॉपरनिकस, सी गैलीलियो और डी न्यूटन। तो इसका सही ऑप्शन क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन जो बी है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस साहब ने सबसे पहले सोलर प्रणाली के बारे में बताया था और ये बताया था कि सूर्य के चारों ओर ही लगभग जो ग्रह है वो मूव करते हैं। ठीक है, इनको आप याद रखें। चलिए हम अगला कुछ ज्योग्राफी खत्म हो गया, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता होगा 5-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैंने सब मेंशन किया हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, मतलब एक पुस्तक है बहुत ही फेमस है अपनी इकोनॉमी के लिए कि वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए एम विश्वेश्वरैया, बी एडम स्मिथ, सी जॉन मार्शल और डी कार्ल मार्क्स। तो याद रखिएगा जो एम विश्वेश्वरैया है इनकी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम क्या है, प्लांड इकोनॉमी। क्या नाम है इसका, प्लांड इकोनॉमी। ठीक है, बट जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है वो कौन सा हमारा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही लिखा था कौन सा आपका, वेल्थ ऑफ नेशन, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, भारत का जो इकोनॉमिकल इकोनॉमिक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं, वो कब प्रारंभ होता है। ऑप्शन हमारे पास ए 1 जनवरी, बी 1 अप्रैल, सी 1 मार्च, डी 1 जून। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि
कब से स्टार्ट होता है आपको पता होगा, हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। कब तक चलता है हमारा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा देखिए इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये कि मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, ठीक है, मतलब किसने लागू किया, वो सही है। ऑप्शन हमारे पास UNDP, यूएन अंकटाड बोलते हैं, IMF और आशियान। तो आपको पता होगा जो आपका UNDP है, इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक बनाया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए और डीप में SDI जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको जो बनाने का जो मेन स्टेज आता है वो पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री है महबूब हक है, नहीं मतलब थे होंगे महबूब उल हक, उन्हीं को इसका स्टेज आता है। और कुछ कुछ इसमें जो भारतीय वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे अमर सेन जी, उन्होंने भी कुछ कुछ सहायता की थी, बट SDI को बनाने का जो मेन स्टेज आता है वो आपके महबूब उल हक साहब को जाता है। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? थोड़ा मात्रा गलत है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए आय में असमानता, ऑप्शन बी लोगों में बुद्धि का अभाव, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ऑप्शन डी निष्क्रियता। आपको ये बताना है कि जो आपका अल्प विकसित देश है इनमें गरीबी का मुख्य कारण क्या है। याद रखिएगा जो आय में असमानता है, ठीक है, जो आय में असमानता है वही अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां स्टार्ट हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन हमारे पास कनाडा बी सॉरी ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। तो आपको पता होगा जो औद्योगिक क्रांति है सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई थी? हमारी इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? इसका ऑप्शन लगभग सबको पता है, फिर भी देख लेते हैं। ए कनाडा, बी भारत, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो कौन सा? हमारा हमारे प्यारे देश भारत का है। और ये पूछता कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने दिया था? तो याद रखिएगा USA ने। किसने दिया था आपका? USA। और कब दिया था इन्होंने? सोचिए बहुत पहले 1700 करीब 87 में इन्होंने अपना लिखित संविधान दे दिया था, और हमने लगभग उन्हीं की तरफ भी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, मतलब भारत को जो संविधान है उसे, देखिए ये सारी जो क्वेश्चन संविधान से है, पॉलिटी से है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? ए राज्यों का एक यूनियन, बी एक अर्धसंघ, सी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, डी इसमें सारे गलत है। आपको पता होगा भारत क्या है? एक राज्यों का यूनियन है, हम एक अर्धसंघ नहीं है और ना ही हमारे स्वतंत्र राज्य, हमारे स्वतंत्र राज्य को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, अमेरिका वगैरह में हम, हमारा एक देश है वो राज्यों का यूनियन है, एक बार जो हमारे साथ मिल गया वो नहीं निकल सकता है, वी आर इंडियंस। ठीक है, हमारा भारत क्या है? राज्यों का एक यूनियन है और हमारे कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं है, उनका कोई स्वतंत्र निकाय नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, मतलब मूल अधिकार जो है इसको कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शन हमारे पास ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी सर्वोच्च न्यायालय। आपको पता होगा जो मूल अधिकारों को निलंबित की बात, खत्म नहीं निलंबित की बात, मतलब निलंबित का मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है, सस्पेंड करने का, जो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति जी को प्राप्त, वो भी कब? आपातकाल के समय। कब कर सकते हैं वो? आपातकाल के समय वो हमारे मूल अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं, वो भी उसमें भी आर्टिकल 21 है जिसमें क्या बोलते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी सारे सारे मूल अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? ऑप्शन हमारे पास ए, हमारा ऑप्शन ए हमारा अनुच्छेद 19, बी क्या है अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22 और डी क्या है अनुच्छेद 24। तो इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19, क्योंकि जो वाक स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 में, कहां है? आर्टिकल 19 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना, ठीक है, राज्य जो है वो लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन हमारे पास ए संविधान की तीसरी अनुसूची से, ऑप्शन बी राज्य की नीति इन तत्वों से, ऑप्शन सी संविधान की पहली अनुसूची से और डी प्रस्तावना से। आपको पता होगा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना है, सॉरी राज्य का लोक कल्याण की जो संकल्पना है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। ठीक है, नीति निदेशक, निदेशक है नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSP। ठीक है, तो इससे लिया गया है। और पूछा जाता है कि DPSP किस भाग में, क्या बोलते हैं?
भाग चार में, कहाँ पे होता है हमारा, भाग चार में पुस्तक किस आर्टिकल में, क्या बोलते हैं आप सीधे बोलिए, 36 लेके 51 तक हमारा राज्य के नीति से तत्वों की बात की गई थी। फिर पुस्तक किस देश से लिया गया, क्या बोलते हैं आप आयरलैंड से, कहां से लिया गया हमारा आयरलैंड से, इसको भी याद रखें। ठीक है, चलिए संविधान क्वेश्चन खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान स्टार्ट हो गया। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं इसकी प्रकृति क्या होती है, ऑप्शन हमारे पास ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी अप्रगामी, डी विद्युत चुंबकीय। तो आपको पता होगा जो ध्वनि तरंगे होती हैं किस प्रकार की होती है, वो अनुदैर्ध्य होती है, क्या होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल व पदार्थ है जो, मतलब एसिड कौन होते हैं, ऑप्शन हमारे पास ए है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, बी प्रोटॉन देता है, सी न्यूट्रॉन देता है और डी इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है। बहुत कंफ्यूजिंग वाला होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को इंग्लिश देख लिया करिए। इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन किसको कहते हैं एच प्लस आयंस को, प्रोटॉन किसको कहते हैं एच प्लस आयंस को, जो भी भाई एच प्लस आयंस देता है उसी को क्या कहते हैं एसिड के। इसमें हमारा है एच सी एल, जो एच सी एल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब पानी में डिजोल्व होता है क्या बनाता है हमारा एच प्लस और सी एल माइनस, तो जो भी प्रोटॉन को देगा डिजोल्व करे मतलब रिलीज करेगा वही हमारा क्या होगा एसिड हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने प्रदान किया था, जो सेल है जो कोशिका कहते हैं वो किस जीव विज्ञान ने वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। ऑप्शन हमारे पास है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, सी ल्यूवेनहॉक और डी रॉबर्ट ब्राउन। तो शायद आपको पता भी होगा कि जो सेल का नाम है वो सबसे पहले किसने दिया था, हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने दिया था, क्योंकि उन्होंने सेल को सबसे पहले देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है, मतलब जो प्लांट्स में डिजीज होती है उनमें सबसे मेन आई मीन फैक्टर कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास है जीवाणु, आई मीन ए जीवाणु, बी फफूंदी, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फफूंदी माने फंगस। ठीक है, फंगस कह सकते हैं, फंगी कह सकते हैं, ये मैक्सिमम जो डिजीज होती है मतलब इन ऑप्शंस में से मैक्सिमम डिजीज फंगीज के चलते होती है प्लांट्स में। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मतलब जब टाइफाइड आपको हो जाता है तो आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है हमारे पास ए आंख, बी आमाशय, सी अग्नाशय, डी हृदय। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन, मतलब जो हमारी आंत होती है वो सबसे अधिक प्रभावित होती है जब आप टाइफाइड से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर, हाँ देखिए अभी ये बिल्कुल विविध वाले क्वेश्चन आ गए। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ऑप्शन हमारे पास है एलेक्सी नेवेली, बी रॉबर्ट पीरे, सी रॉबर्ट हुक, डी रॉबर्ट वॉलपोल। इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, रॉबर्ट पीरे पहले आई मीन जो नॉर्थ पोल पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो यूएसए के थे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ऑप्शन हमारे पास पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बोल रहा है, ठीक है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन हमारे पास ए है मीरा कुमार, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी किरण बेदी। तो सही ऑप्शन हमारे सही क्या हो जाएगा, मीरा कुमार जी, ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं भारत की प्रथम मूक फिल्म, मतलब आई मीन क्या कह सकते हैं मूक, मतलब इंग्लिश में क्या होता है उसको, मूक फिल्म कौन सी थी, मतलब जिसमें बोला ना जाए, मूक फिल्म मतलब विदाउट साउंड कौन सी थी। ऑप्शन हमारे पास है आलम आरा, बी राजा हरिश्चंद्र, सी अछूत कन्या, डी नदिया के पार। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र जो कब बनी थी, आई थिंक 1913 बनी थी, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद रहा, हाँ बट 1913 या 12 में बनी थी, ठीक 13 देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है, जो वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित, मतलब किस ग्रंथ से लिया गया। ऑप्शन हमारे पास है ए भारत भारती, बी मुंडकोपनिषद, सी ऋग्वेद और डी क्या है हमारा आनंद मठ। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आनंद मठ, क्योंकि आनंद मठ से इसको लिया गया, वहीं से जो सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह उसमें जो कथानक चलता है वहीं से हमारा वंदे मातरम लिया गया, जिसके लेखाकार पूछता है लेखक कौन हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन हमारे पास बंकिम चंद्र चटर्जी इसके क्या है लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि भारतीय सॉरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, भारतीय बात कर रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है 2 जून, 22 फरवरी, 28 फरवरी और 23 जनवरी। तो हमारा जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, हमारा 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, शौक से मनाते हैं। ठीक है, और 23 जनवरी क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से पानी, हिंदी स्टार्ट हो गया, निम्नलिखित में से पानी शब्द का वचन, मतलब पानी जो किस टाइप का वचन है उसमें, मतलब एक वचन बहुवचन सदा एक वचन क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा जो पानी शब्द होता है हमेशा एक वचन में ही होता है, बूंदे है ना, दिस इज नॉन काउंटेबल, मतलब गिन नहीं सकते, तो हमेशा सदा
एक क्वेश्चन में नहीं, सदा एक क्वेश्चन, हमेशा ही एक क्वेश्चन में ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती, मतलब यूपी में हिंदी की मतलब रिलेटेड कौन सी भाषा नहीं बोली। ऑप्शन हमारे पास ब्रज भाषा, पहाड़ी, कन्नौजी, अवधी। तो इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ी हमारे नहीं बोली जाती। पहाड़ी क्या, उत्तराखंड में बोली जाती, जब यूपी बिहार, सॉरी यूपी और उत्तराखंड एक में था 2000 से पहले, तब तक तो बोली जाती। तब तब हमसे क्वेश्चन पूछता तो हम कहते पहाड़ी भी बोली जाती, बट अब पहाड़ी कहाँ की भाषा है, उत्तराखंड की भाषा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य, मतलब 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य। ऑप्शन हमारे पास ए, 9 दिन अढ़ाई कोस चलना, बी, धीमे धीमे चलना, सी, चलने की कोशिश करना, डी, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, भाई 9 दिन चले, खूब दिन चल गया, अढ़ाई कोस चले, क्या मतलब इसका। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो पान करने योग्य नहीं, मतलब इसका एक वर्ड हमें बताना है, जो पान मतलब पीने योग्य नहीं हो। ऑप्शन हमारे पास है अपत्य, बिल्कुल गलत है, अपेय, मतलब जो पीने योग्य ना, उसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपेय। ठीक है, अगम्य का मतलब जो चलने लायक ना हो, अभक्ष जो खाने लायक ना हो, अपत्य जो पथ के अकॉर्डिंग ना हो, तो सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैसर्गिक का विलोम शब्द है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन हमारे पास है अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत और कृत्रिम। तो सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, कृत्रिम, क्या हो जाएगा हमारा नैसर्गिक का, क्या हो जाएगा कृत्रिम, इसका आई मीन विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टेस्ट सीरीज और अच्छी लगी होगी, आप हमारे इस तरह प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, हम धीमे धीमे जिस तरह एग्जैक्ट पेपर आता है उस तरह बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स हो उसको प्लीज लिखिए। आज के लिए इतना ही, मैं तक अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।